फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी F55 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में, अगर आपके मोबाइल फोन का गूगल असिस्टेंट काम नहीं कर रहा है, गूगल असिस्टेंट में प्रॉब्लम आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले फोन का इंटरनेट आपको चालू करना है। इसके बाद आपके फोन में ये गूगल का ऐप है, इस गूगल के ऐप को ओपन करना है। अब देखिए, इस ऐप में आपको राइट साइड के टॉप पर एक प्रोफाइल पिक्चर होती है छोटी सी, इसे आपको टैप करना है। आपका एक पेज आता है, इसमें आपको नीचे सेटिंग का ये ऑप्शन टैप करना है। ठीक है, अब देखिए आपका ये सेटिंग का पेज आएगा ना, इसमें आपको ये गूगल असिस्टेंट का ये ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको ना नीचे ये हे गूगल एंड वॉइस मैच का ये ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे की ये देखिए ये ऑप्शन टैप करना है, दिस डिवाइस टैप करेंगे ना, तब आपको नीचे इतना ये पेज आपको दिखाई देगा। इस पेज में आपको ना ये जो हे गूगल के सामने वाला ये जो बटन है, इस बटन को टैप करके ऑन करना है। ठीक है, तो इस बटन को टैप करेंगे तो आपका जो है एक पेज आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इस वाले पेज में आपको नीचे मोर का ये ऑप्शन आपको टैप करना है। ठीक है, अब देखिए इस पेज में आपको नीचे एग्री का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पर आपको इस पेज में दोबारा से मोर पे आपको टैप करना है। ठीक है, अब आपको इस पेज में दोबारा से एग्री पे आपको टैप करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका एक पेज आएगा, इस पेज में आपको नीचे नेक्स्ट का ये बटन टैप करना है। अब यहाँ पर आपका लास्ट पेज आएगा इसका। ठीक है, तो देखिए इस वाले पेज में आपको फिलहाल के लिए आपको इसे नीचे नॉट नाउ का ये ऑप्शन टैप करना है। ठीक है, तो आपका जो है ना वापस से वही पेज आ जाएगा ये वाला, इसमें देखिए आपका हे गूगल के सामने वाला बटन ये ऑन हो जाता है। ठीक है, तो इतना प्रोसेस आप करेंगे ना तब जाके आपका ये बटन ऑन होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए अगला काम आपको करना है क्या, आपको जो है बैक पेज पे जाना है। ठीक है, अब इसके भी बैक पेज पे जाना है। तो आपने जो स्टार्टिंग में गूगल असिस्टेंट का ऑप्शन सेलेक्ट किया था ना, इसी के ठीक नीचे आपको वॉइस का ये ऑप्शन टैप करना है। अब आपका ये पेज आता है, इस पेज में आपको स्पीच आउटपुट का ये ऑप्शन टैप करना है। आपका ये पेज आता है, इस पेज में अगर आपका नोन के आगे टिक मार्क लगा हुआ है तो इसे फुल पे टिक मार्क लगाना है। ठीक है, तो आपका ये फुल पे टिक मार्क लगाना है। ठीक है ना, इस तरीके से। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको जो ये दो प्रोसेस आपको बताया ना, ये दोनों प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है, इससे आपके गूगल असिस्टेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है।